थोड़ा सा वेट गेन करके, वेट इंक्रीज करके मैं एक सेट और लेना चाहूंगा सिर्फ पावर टेस्ट के लिए। देखते हैं कितना कर पाएंगे। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज हमारे वर्कआउट का है डे 16 और आज हम करेंगे चेस्ट वर्कआउट। हर 3 दिन बाद चेस्ट वर्कआउट आ रहा है अभी। लास्ट टाइम हमने जो चेस्ट वर्कआउट किया था वो 15 मिनट का किलर वर्कआउट था। आज भी हम उसी वर्कआउट को रिपीट करेंगे, कोई चेंज नहीं है। लेकिन आज से हम अपनी डाइट में भी थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, थोड़ा सा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं वार्म अप और फिर शुरू करते हैं चेस्ट वर्कआउट। बहुत ज़्यादा लंबा वर्कआउट नहीं जाएगा, सिर्फ 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो इसमें भी हम जैसे हमने लास्ट वर्कआउट में किया था, एक सेट बेंच के बाद एक सेट पुशअप, एक सेट बेंच, एक सेट पुशअप, इस तरह से लेंगे। स्टार्टिंग पुशअप से करते हैं। थर्टी रैप्स। अब हम लेंगे फ्लैट बेंच। लास्ट टाइम हमने फ्लैट, इंक्लाइन और डिक्लाइन इन तीनों को मिक्स किया था, लेकिन इस बार हम तीन फ्लैट लेंगे, तीन इंक्लाइन, तीन डिक्लाइन, इनको अलग अलग रखेंगे। लेकिन हर सेट के साथ, हर बेंच के साथ एक पुशअप का सेट ऐड करेंगे। फर्स्ट सेट 40 पाउंड्स, 20 पाउंड्स ईच साइड। शुरू करते हैं। फिफ्टीन रैप्स। फटाफट से पुशअप का एक सेट लेंगे। इसमें सिर्फ 10 ही निकल सके, 10 रैप्स, क्योंकि पूरी एनर्जी वहां खर्च हो गई थी। स्टार्टिंग में जो था वो वार्म अप था, पूरा फ्रेश था, तो 30 रैप्स निकले थे। कोई बात नहीं। और मैंने आपको बताया था कि आज से हम थोड़ा सा डाइट में चेंज करेंगे। डाइट में चेंज ये होगा कि हम आज से चीनी और फैट, फैट में घी और तेल बिल्कुल जीरो करेंगे। एक दाना चीनी का नहीं लेंगे, चाय लेंगे फीकी, दूध लेंगे फीका। हाँ, शुगर में जो चीनी है वो लेते रहेंगे, सॉरी, फ्रूट्स में, सब्जियों में जो चीनी है, जो मीठे फल हैं वो हम लेते रहेंगे, उसमें कोई परहेज नहीं है। संतरा भी लेंगे, अंगूर भी लेंगे, केला भी लेंगे, अगर ले रहे हैं तो कोई परहेज नहीं है। सिर्फ आर्टिफिशियल शुगर, मिठाइयाँ बंद, शुगर बंद, और कोई दिक्कत नहीं है, टॉफ़ी चॉकलेट भी बंद। साथ ही सब्जियां जो हम लेंगे, सब्जियां जो बनेंगी घर में, उसमें घी और तेल जीरो होगा, बिल्कुल इतना सा भी नहीं, साथ ही चीनी नहीं, बस इतना सा। तो हमने क्या किया, सिर्फ चीनी जीरो,
एंड ऑयल जीरो, और कोई चेंज नहीं। कोई फ्रूट में पाबंदी नहीं है, किसी सब्जी में पाबंदी नहीं है। हाँ, घी नहीं खाएंगे, रोटी जो लेंगे पराठा नहीं खाएंगे, और रोटी भी बिना घी लगाए खाएंगे। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, शुरू करते हैं सेट नंबर टू। वेट गेन कर रहा हूँ, वेट इंक्रीज कर रहा हूँ, 10 pounds ईच साइड। 10 इधर लगाया और उधर का 10 मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ है, ये यहाँ फंसा हुआ है। दोस्तों, चीनी बंद करने से आप देखना कितना तेजी से आपकी बॉडी के अंदर चेंज आया। आप करें ना करें, मैंने चेंज किया है और आप मेरी बॉडी में चेंज देखेंगे कि सिर्फ चीनी छोड़ देने से भी वेट कितनी तेजी से कम होता है। पुशअप, टेन रैप्स, गर्मी बहुत है। थर्ड सेट में वेट और इंक्रीज करेंगे, 15 को निकालकर मैं 20 pounds ऐड करूंगा। कल हमने जो बॉडी टेस्ट की थी, अपनी बॉडी चेक की थी, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं लगा डे 1 और डे 15 में, लेकिन हाँ, बॉडी पहले से थोड़ी सी ज़्यादा टोन्ड लग रही थी, थोड़ी सी टाइट फील हो रही थी, जो डे 1 में नहीं थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं कल की वीडियो को, डे 15। शुरू करते हैं सेट 3। रैप्स, फटाफट से पुशअप्स लेंगे। ये वायर बार बार फंसता रहता है। दोस्तों, फ्लैट बेंच के 3 सेट कंप्लीट हो गए, लेकिन मेरा मन कर रहा है एक सेट और करने का। थोड़ा सा वेट गेन करके, वेट इंक्रीज करके, मैं एक सेट और लेना चाहूंगा सिर्फ पावर टेस्ट के लिए। देखते हैं कितना कर पाएंगे। अभी मैंने 15 pounds इसमें ऐड किया है ईच साइड, तो ये हो गया 45 pounds जस्ट फॉर पावर टेस्ट। कभी कभी थोड़ा सा वेट गेन करके भी, वेट इंक्रीज करके भी हमें एक सेट लेना चाहिए, उससे हमें पता चलता है, ताकि हमें अपनी पावर का आइडिया हो और अगली बार हम थोड़ा सा वेट बढ़ाकर सेट लेने की कोशिश करें।
तो शुरू करते हैं। 45 पाउंड्स, 45 नहीं, 55 पाउंड्स ईच साइड। सिक्स रैप्स। अभी एक और किया जा सकता था लेकिन लॉक होने का डर था इसलिए मैंने नहीं किया। पुशअप लेते हैं। फ्लैट बेंच कंप्लीट। अब लेंगे इंक्लाइंड के 3 सेट और उसमें कोई पावर टेस्ट नहीं करेंगे। इंक्लाइंड करने के लिए पहले वेट उतार लेते हैं, तभी मैं प्लेट को ऊपर रख पाऊंगा, रोड को ऊपर रख पाऊंगा। आज हम इंक्लाइंड 40 पाउंड से करेंगे लेकिन पहला सेट हम 20 पाउंड से ही लेंगे, 20, फिर लेंगे 35 और थर्ड सेट में 40 करते हैं। दोस्तों अगर मैं किसी दिन गिर गया ना इस तार की वजह से तो उसका जिम्मेदार सिर्फ ये तार होगा। बहुत ही रिस्की है। तो हमने आज 45 डिग्री पर इसे लगाया। शुरू करते हैं सेट 1 40 पाउंड्स के साथ। गर्मी। सेट 1 12 रैप्स। अच्छा लास्ट टाइम हमारे माइक में प्रॉब्लम हो गई थी, तब से मुझे डर लगता है कि कहीं माइक ना खराब हो जाए, मतलब वीडियो बनाने के बाद जब मैं चेक करूं तो उसमें आवाज ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम माइक में पसीना चला गया था, तो इसलिए आज मैंने इसे बाहर की तरफ लगा लिया। क्योंकि हम बातें करते हैं, अगर मेरी बातें आपको सुनाई ना दें तो मजा नहीं आएगा। जैसे मुझे आपकी कोई बात सुनाई नहीं देती, आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई कमेंट नहीं पास कर रहे हैं। अगर आप कुछ कमेंट्स मुझे दें, बुराई है, बुरा लगता है बुरा बोलें, अच्छा लगता है अच्छा बोलें, मुझे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर मैं साइलेंट रहूँगा तो शायद आपको भी उतना मज़ा नहीं आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी साइलेंट ना रहें, अगर वीडियोज़ देखते हैं तो कुछ रिएक्ट करें। डिसलाइक भी करेंगे तो भी कोई शिकायत नहीं है, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्लीज डू रिएक्ट। तो इसमें हम 15 पाउंड ऐड कर रहे हैं और उससे पहले हमें एक सेट पुशअप भी लेना है, जो कि बातों बातों में मैं भूल ही गया। तो करते हैं पुशअप। सेट 2 35 पाउंड्स ईच साइड। आप में से मेरे जो दोस्त पहले से एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए 35 पाउंड्स बहुत ही हल्का होगा,
वो समझते होंगे कि कितना लाइट वेट मैं करूं, लेकिन दोस्तों मैंने अभी 15 दिन पहले ही एक्सरसाइज शुरू की है काफ़ी लंबे इंटरवल के बाद, तो मेरे लिए तो 35 पाउंड भी काफ़ी है। शुरू करते हैं सेट टू। टेन रैप्स फटाफट करते हैं पुशअप्स। मैं 9 ही रैप्स कर सका, 10वां तो मैंने घुटने नीचे टिका कर किया है। आपको शायद नजर नहीं आया होगा कैमरा में, लेकिन मेरे घुटने नीचे चले गए थे। अब हम 15 पाउंड निकालकर 20 पाउंड ऐड करेंगे, यानी 40 पाउंड ईच साइड। और इंक्लाइन में हम कोई पावर टेस्ट भी नहीं करने वाले, बहुत भारी होता है भैया। तो ये हो गया 40 पाउंड्स। और दोस्तों अगला पूरा हफ्ता मंडे से लेके सैटरडे तक हम जो भी वर्कआउट करेंगे फ्री हैंड करेंगे, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि अगर हमारे पास कुछ भी इक्विपमेंट्स ना हो तो हम किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम में से बहुत से लोगों के पास वर्कआउट के लिए कुछ भी नहीं है घर में, लेकिन फिर भी हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो अगला पूरा हफ्ता हम सभी एक्सरसाइज फ्री हैंड करेंगे। सेट 3 40 पाउंड्स। एट रैप्स। फटाफट करते हैं पुशअप्स। दोस्तों इसमें मैंने 6 रैप्स के बाद घुटने नीचे टच कर दिए थे। घुटने नीचे टच करने से थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि आधा वेट हमारा घुटनों पे चला गया था। इसके हो गए 3 सेट। 3 सेट लेंगे डिक्लाइन। को बेंच को कर लेते हैं नीचे। और ये
डिक्लाइन बेंच तैयार। फर्स्ट सेट 20 पाउंड ईच साइड। सेट वन, फिफ्टीन रैप्स। शुरू करते हैं पुशअप्स। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि आज हम हर सेट के बाद पुशअप लेंगे। घुटने नीचे, 10 रैप्स। 8 के बाद मैंने घुटने नीचे कर दिए। अगर आप बिल्कुल बिगनर लेवल पे हैं और पुशअप्स करना आपको मुश्किल लगता है तो आप घुटने नीचे रखकर पुशअप कर सकते हैं, काफी इजी लगेगा। 15 पाउंड ऐड कर रहे हैं। पंद्रह मिनट हुए होंगे शायद अभी, लेकिन मेरी हालत आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं सेट टू, 35 पाउंड्स ईच साइड। मेरी आंखों में पसीना चला गया, आंखें जल रही हैं, क्योंकि जब हम ऐसे गर्दन नीचे करके लेटते हैं तो सारा पसीना आंखों में जाता है। मेरी हालत अब पूरी तरह से खराब हो चुकी है। मन तो कर रहा है कि मैं 35 की जगह मैं 40 पाउंड्स कर लूं, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि थक चुका हूं और पीछे कोई सपोर्ट भी नहीं है। अगर लॉक हो गया तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे। हो सकता है हम कम सेट कर पाएं, कम रैप्स कर पाएं, लेकिन कोशिश करना तो बनता है। तो 15 पाउंड्स निकाल के 25 पाउंड्स ऐड करते हैं, सॉरी 25 नहीं 20 पाउंड्स ऐड कर रहा हूं। 15 की जगह अब हमने 20 पाउंड्स ऐड किया है, तो ये हो गया 40 पाउंड्स। आज का लास्ट सेट है, तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा रैप निकालने की। ज्यादा से ज्यादा से मेरा मतलब है कि 3, 4, 5 जो भी निकलते हैं। 10, 12 तो खैर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि थक चुका हूं और वेट भी मेरे लेवल से तो ज्यादा है। तो शुरू करते हैं सेट 3।
40 pounds के साथ। मुझे लग रहा था मैं लॉक होने वाला हूँ। मुझे एक पार्टनर की जरूरत कई बार बहुत महसूस होती है, क्योंकि अगर कोई पीछे पार्टनर होता तो शायद मैं 10 रैप भी कर सकता था, क्योंकि फिर लॉक होने का डर नहीं लगता। 8, 9, 10। तो दोस्तों, आज का वर्कआउट मेरे लिए तो खत्म है, लेकिन अगर आप मेरे साथ वर्कआउट कर रहे हैं और आप में कुछ स्टेमिना बचा है तो आप डंबल पुलओवर कर सकते हैं। मैंने आपको पहले कई बार बताया कि मेरी पीठ में पेन रहता है, इस वजह से मैं डंबल पुलओवर कर नहीं पाता हूँ। हालांकि मैंने एक दो बार कोशिश की भी है पर हुआ नहीं। आज एक बार फिर से कोशिश करते हैं हल्के से डंबल से, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहीं छोड़ते हैं, एक कोशिश करते हैं। डंबल 5 pounds का है, मतलब 5 pounds ईच साइड, 10 pounds का डंबल है। वेट बहुत ही कम है, लेकिन सिर्फ इस पोस्चर में आने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूं। तो आज आखिरकार हम इस पोस्चर में लेट सके। मुझे ऐसे पीठ मोड़ने में यहाँ पर काफ़ी दिक्कत होती है, पर आज 15 दिन बाद हम ये करने में सफल रहे। आगे धीरे धीरे हम थोड़ा सा वेट बढ़ाएंगे डंबल में जब हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वर्कआउट आपको अच्छा लगा हो तो वर्कआउट को ट्राई जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, हमारा ये सफ़र आपको पसंद आ रहा है, तो सफ़र में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए वर्कआउट के साथ, तब तक के लिए बाय।